गैस बहुत से लोग ना अपनी लाइफ में अच्छा काम कर रहे होते हैं पर अच्छा काम करने के बावजूद भी उन्हें अप्रिसिएशन सुनने की जगह बुराई ही सुनने को मिलती है अपने आप को ले लीजिए आप डेली वर्कआउट करते हैं आप अच्छा न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं पर उसके बावजूद भी आप ही के कुछ दोस्त जो वीकेंड में बैठ के पीते रहते हैं या डेली बर्गर खाते रहते हैं ऐसे दोस्त लोग जो कि हाईली फिज़िकली इनएक्टिव है ऐसे लोग आपको बोलते हैं कि अरे यार तू जिम जा रहा है तो वेट्स उठाता है भाई तेरे इरेक्शन पे प्रॉब्लम हो जाएगी या तेरा साइज छोटा हो जाएगा मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है और ये सारी चीज़ें मेनली आपको आपके कॉलेज गोइंग इसके कॉलेज गोइंग एज या स्कूल गोइंग एज में सुनने को मिलती है क्योंकि मैंने भी जब मैं कॉलेज जाता था और कॉलेज के दौरान जिम भी आता था तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा बोलते थे तो बस अगर आपके साथ भी ऐसा होता है अगर आपको इन सब क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है तो आज मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उसके बाद आप उन्हीं दोस्त लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें बोल पाएंगे शट अप मेरा इरेक्शन तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि मैं वर्कआउट करता हूँ 2006 की हार्वर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जिसमें ट्वेंटी टू पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था उस स्टडी में ये पाया गया कि वोमैन जो फ़िज़िकली एक्टिव होते हैं उनमें 20 परसेंट लेस चांसेस होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को डेवलप करने में एज़ कंपेयर टू उन मैन के जो लोग फिज़िकली इनएक्टिव होते हैं इसी रिसर्च में ये भी पाया गया है कि वो लोग जो थोड़ी सी और ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते थे उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस थर्टी तक कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग हाईली फ़िज़िकली इनएक्टिव होते हैं इन्हीं हार्वर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स ने ये भी बोला है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो वेट लिफ्टिंग करने से आपके बॉडी में लीन मसल मास टू फैट का रेशियो इम्प्रूव होता है और जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है ये प्रॉब्लम मैक्सिमम उन लोगों में पाई जाती है जो लोग हाइली फिजिकली इनएक्टिव होते हैं ओवरवेट या ओबीस होते हैं और जिनका मसल मास टू फैट का रेशियो आइडियल नहीं होता तो गायज हार्वर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग वेट लिफ्टिंग से आपका लीन मसल मास टू फैट रेशियो आइडियल होता है जिसकी वजह से आपकी इरेक्टाइल हेल्थ अच्छी होती है अब एक और स्टडी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्शुअल मेडिसिन कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करती है तो उसके थ्रू आपकी इरेक्टाइल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है तो यहाँ पे ये जो जर्नल है ये ये कहना चाहता है कि एरोबिक ट्रेनिंग के साथ साथ जो आपकी वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग है जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है उससे भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इम्प्रूव होती है और क्योंकि वेट लिफ्टिंग से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है तो इससे आपकी इरेक्टाइल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है इसी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन के जर्नल के अकॉर्डिंग एक सीरीज ऑफ ट्राइल्स में जब मैन ने अरेबिक एक्सरसाइज एक्सरसाइज के साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को भी परफॉर्म किया तो उनकी इरेक्टाइल 15 परसेंट इंप्रूव हो गई मतलब उनके इरेक्टाइल फंक्शन में 15 परसेंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे पब्लिश इन द एनल्स ऑफ फैमिली मेडिसिन जो डायबिटीज है वो वन ऑफ द मेजर कारण है आपके बॉडी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का और अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वेट लिफ्टिंग से आपके डायबिटीज़ का मैनेजमेंट होता है और प्रिवेंशन होता है जिसकी वजह से आपकी इरेक्टाइल हेल्थ इम्प्रूव होती है कुछ और रिसर्चेस की भी बात करते हैं ताकि आप स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली अपने उन दोस्तों का मुंह बंद कर पाएँ तो 2007 के यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि वेट लिफ्टिंग एक हफ्ते में तीन से चार दिन करते हैं तो आप में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और अगर आप में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो आप में इरेक्टाइल फंक्शन स्ट्रांग होते हैं और अच्छे होते हैं इंस्ट वो खराब होते हैं यहाँ तक कि एक बहुत ही ओल्डर स्टडी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग भी जो वेट लिफ्टिंग होती है वो ना ही सिर्फ यंग में बल्कि ओल्डर एडल्ट में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करती है अगर आप तीन सेट आठ से दस रेप के करते हैं तो गाय वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग का यह भी एक बेनिफिट है कि आपके टेस्टोस्ट्रॉल लेवल को ये बूस्ट करता है जिससे आपकी इरेक्टाइल हेल्थ इंप्रूव होती है अगर किसी भी रिसर्च में ये पाया भी गया है कि वेट लिफ्टिंग से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो वो सिर्फ एक रिसर्च में देखा गया है जिसमें 250 मेन को लिया गया था पर इस रिसर्च में वो सारे 250 मेन वेट लिफ्टिंग के साथ साथ हैवी वेट लिफ्टिंग के साथ साथ एनाबॉलिक एनाबॉलिक्टेर का भी यूज़ करते थे और इस रिसर्च के कंक्लूजन में साफ साफ बोल दिया गया है कि इन सारे मैन में इम्पोटेंसी का रीज़न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनाबॉलिक स्टेरॉयड से है ना कि वेट लिफ्टिंग से है तो गाइज वेट लिफ्टिंग के बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं ये आपके बॉडी में आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है आपके ब्लड फ़्लो को इंक्रीज़ करता है वो ब्लड जो आपके पेनिस तक जाता है उस ब्लड फ़्लो को इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से आपके इरेक्टाइल हेल्थ अच्छी होती है तो गैज़ वेट लिफ्टिंग प्लीज़ आप करें बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें कि वेट लिफ्टिंग जब भी आप करें तो आप मेक श्योर sure करें आप एक अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो आप प्रॉपर स्लीप प्रॉपर रेस्ट ज़रूर ले रहे हो ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो रही हो देखिए गैस ओवर ट्रेन ना करें क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेन करते हैं तो आपकी स्लीप में डिस्ट्रप्शन लाएगा जिसकी वजह से आपके बॉडी में रिकवरी नहीं होगी आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होगा एनर्जी नहीं रहेगी और ये सब चीज़ बुरी है हर एक पर्सपेक्टिव से इसलिए राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज विथ गुड न्यूट्रिशन एंड स्लीप इज अ की टू एवरीथिंग मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में टिल देन बी हेल्दी टेक केयर एट जय हिंद